ये सनी लियोनी चाप है। अरे मियाँ खलीफा कौन सी है? ये रही मियाँ खलीफा। ये है इनके सारे नॉन वेजिटेरियन आइटम, बट ये है प्योर वेज। तो ये देखिए ये क्या मिला मेरे को अभी, इसका नाम नहीं बोलूंगा आपको शायद पता होगा। ये कौन सा मक्खन है? अमूल बटर। अमूल बटर, अरे वाह अमूल बटर। तो आज हम आए हैं सोया चाप खाने, और ये जगह ऐसी है कि आप हर जगह चाप खाना छोड़ दोगे। यहाँ पर इतनी वैरायटी है चाप की, और ऐसे नाम है, ऐसी वैरायटी है जो आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। यस आप एकदम सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि इनका स्पेशली माल जो है वो मलेशिया से आता है। इनके पास सिंगाड़ा फिश है, बट वो है वेजिटेरियन। इनके पास मियाँ खलीफा है, चटपटी स्पाइसी। इनके पास सनी लियोनी की चाप है, इनके पास तंदूरी सोया चाप है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको बोलते हैं ये तंदूरी लेग पीस, बट ये है वेजिटेरियन। तो प्लस दूसरी चीज़, इनके एक ग्रेवी आइटम है, मतलब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। अब मैं आप ये समझ लो कि अगर वो खा लोगे ना आप, तो आप मटन खाना छोड़ दोगे। टेस्ट एकदम मटन का उसी ग्रेवी का, बट आप जब भी खाओगे ना आपको मटन का ही स्वाद आएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो ग्रेवी वाला आइटम कैसे बनता है, प्लस ये मियाँ खलीफा, सनी लियोनी और ये तंदूरी लेग पीस एक्चुअली में है क्या। तो ये सारी वैरायटी है इनके पास तंदूरी आइटम। ये कौन सा आइटम है? ये भैया वीर जी मलाई चाप स्पेशल। वीर जी मलाई चाप स्पेशल, बताते जाओ क्या क्या आइटम है। ये मशरूम भैया, ये तंदूरी बटर चिकन बनाया है। अरे वाह, तंदूरी बटर चिकन। हाँ जी, तंदूरी बटर चिकन। और साथ में बनाया है भैया ये अपनी पंजाबी चाप है। अच्छा, ये वेज चिकन टिक्का। ये वेज चिकन टिक्का, वेज चिकन टिक्का। ये सनी लियोनी। ये सनी लियोनी चाप है। अरे मियाँ खलीफा कौन सी है? ये रही मियाँ खलीफा। क्या बात है, आज हम खा के देखेंगे कि कैसा है इसका टेस्ट। तो चलिए आप मेरे को ये टेस्ट करा दीजिए एक एक आइटम, और हम आपकी उसके बाद ग्रेवी वाला आइटम खाएंगे जो आपका स्पेशल है। ठीक है सर। तो ये मैंने टेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ। ये एक लिया मैंने बटर चिकन का लेग पीस। ये बटर चिकन लेग पीस है ना? साथ में क्या है उसके आगे क्या है? पंजाबी चाप। और उसके बाद क्या है? सनी लियोनी। अब मियाँ खलीफा का है? एक मियाँ खलीफा डाल दो बस। क्या क्या आइटम है? ये है बटर चिकन, बटर चिकन। ये है तंदूरी बटर चिकन, और ये आगे पंजाबी चाप, फिर सनी लियोनी, फिर फिश टिक्का, फिर मियाँ खलीफा, फिर चिकन टिक्का। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब ये जाएगा सीधा तंदूर के अंदर, और उसके बाद ये जब बाहर निकलेगा तब मज़ा आ जाएगा। आप देख सकते हो, आप देखो बाहर बंदे नॉर्मल कितने खड़े हैं, कस्टमर दुकान खुलती नहीं है और लोगों का आना शुरू हो जाता है। प्लस इनके पास सिटिंग भी है, और इस लाइन में इनके पास दो शॉप्स है, एक ये वाली शॉप है और एक आगे है, मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर ग्रेवी आइटम बनते हैं। तो ये बन चुका है, रेडी हो चुका है, तंदूर से निकल गया एकदम, बहुत गर्म है, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नॉन वेज है, वेज वाले तो कुछ लग ही नहीं रहा। ओए होए, बटर चिकन मियाँ खलीफा, क्या बात है। चिकन टिक्का, फिश टिक्का भी है ना इसमें, और मियाँ खलीफा। अब ये जाएगा सीधा उसके अंदर परात में, और इसमें ये डालेंगे, क्या क्या डालोगे भैया? ये क्या आइटम डाला है? ये चाप का मसाला। चाप मसाला, इसके अंदर सारी नॉन वेजिटेरियन, सारी नॉन वेजिटेरियन के आइटम है जो कि बट है प्योर वेजिटेरियन। ये चाट मसाला, और ये डाला बटर। आप डालेगा इसमें नींबू? भाई भीड़ बहुत हो गई है, ट्यूसडे के दिन यह हाल है भाई। और ये डालेगी इसमें हल्की सी क्रीम। क्रीम, क्या बात है, क्या बात है। मजेदार। लीजिए ये हो गया तैयार, अब इसकी टेस्टिंग की बारी आई है। अरे वाह, देख के देखो कितना बढ़िया नॉन वेज लग रहा है, मज़ेदार भाई मज़ेदार। ये देखिए भाई, ये है इनके सारे नॉन वेजिटेरियन आइटम, बट ये है प्योर वेज। तो मतलब मंगलवार को भी मैं नॉन वेज का मज़ा ले सकता हूँ। चलिए अब टेस्ट करते हैं इसको। ये है इनकी फिश सिंगाड़ा, स्पेशली मलेशिया से लेके आते हैं ये लोग, यहाँ पर नहीं मिलती। ये फिश करी बन रही है भाई, देखकर ही मज़ा आ गया।
क्या बात है। तो चलिए अब टेस्टिंग की बारी है, और ये टेस्टिंग में मेरे को बहुत सारे आइटम चेक करवाने वाले हैं, तो देखते हैं कि कैसा है उसका टेस्ट। तो देखिए ये सारा कुछ लग चुका है खाने के लिए। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर बटर चिकन चाप भी है, चिकन लेग पीस है, चिकन टिक्का है, मियाँ खलीफा है, सनी लियोनी है और फिश टिक्का भी है। ये इनका KFC चिकन है, ये इनका अपना चिकन पॉपकॉर्न, ये क्या है सिंगाड़ा फिश, ये सिंगाड़ा फिश है। और द बेस्ट आइटम जो मेरे को बहुत टेस्टी लगा नॉन वेज में, बेली राम चिकन। इसकी ग्रेवी खा लोगे ना तो आप चिकन खाना छोड़ दोगे, बट आपको हैरानी होगी ये देख के कि ये सारा कुछ जितना भी है। ये देखिए ये इनका वो है चिली चिकन, ये चिली चिकन है, ये इनके है पुलाव, वेज बिरयानी और ये है जैपनीज लॉलीपॉप और ये है रारा मीट, वेज रारा मीट। अरे वाह, अब आपको सुनकर ये हैरानी होगी ये सारा कुछ जितना भी है ये प्योर वेजिटेरियन है। और आज हम आए हैं वीर जी मलाई चाप वाले पे, जो कि गीता कॉलोनी में है, और ये है भाई साहब जसकरण जी जिन्होंने ये आइटम बनाया है। मैं कह रहा हूँ अगर आप ऐसा आइटम खा लोगे ना, ये ग्रेवी मज़ेदार, बहुत बढ़िया है। टेस्ट करके देखते हैं एक बार दोबारा से। ये देखिए वाह, मैं इसके लिए ना नॉन वेज छोड़ सकता हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, सुपर डुपर हिट है। चिकन पॉपकॉर्न ये मलेशिया से मंगाया हमने आइटम जो भी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये समी जी हैं, और ये जितना भी आइटम देख रहे हो ना, ये रोस्टेड, ये फ्राइड आइटम जितना भी देख रहे हो, ये सारा मलेशिया का है, यहाँ से नहीं है, इंडिया में ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया, काफ़ी जरूर आ रही है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर हम मलेशिया के, इधर के हम ही। अगर आप ये राड़ा मीट खा के देखो, अगर आप सोया चाप के दीवाने हैं तो लगता है आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, वीर जी चाप अले पे। मैंने तो टेस्ट कर लिया है, मेरे लिए ये 10 out of 10 है। अब आपको हमारा जिम वाला लौंडा खा के दिखाएगा, जो कि चटपटी शिखा की टीम से है, अरुण आजा भाई। सिंगाड़ा चाप जो इनकी जो सिंगाड़ा फिश है, ये जिम वाले खाते ज़्यादातर, तो इसको पसंद आएगी। और तेरी खाते ही डोटोला बन गया। बहुत बढ़िया। अच्छा इसके प्राइस बता दो एक बार मेरे को। ये जो आपका बेली राम चिकन है इसके कितने रुपए कॉस्ट है? ये 210 का है सर, फुल प्लेट है हमारे पास। अच्छा हाफ है 160। और ये मटन करारा, ये भी सेम रेट है सर, सेम रेट। और चिकन लॉलीपॉप के क्या रेट है? चिकन लॉलीपॉप 180 की। और पुलाव आपका, सॉरी वेज बिरयानी 140। चिली चिकन ये 160 फुल 160 रुपीस। ये क्या है? तंदूरी बटर चिकन। ओ माई गॉड, भाई बटर चिकन को कौन छोड़ सकता है। और ये क्या है? ये तंदूरी लेग पीस। ओके वेज तंदूरी लेग पीस सर। भाई अरुण तेरी तो मम्मी तेरे को आज घुसने नहीं देगी, आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन ये नॉन वेज आइटम खा रहा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो अगर टाइमिंग की बात करें तो ये शाम के 5 बजे स्टार्ट करते हैं और रात के 11:30 बजे तक। प्लस दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि महीने का पहला बुधवार, वेडनेसडे, फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ ये लोग दुकान क्या क्लोज रखते हैं, क्योंकि महीने में एक दिन तो चाहिए फैमिली के लिए। भैया बेली राम चिकन जब तक हारून ये ख़त्म करता है, फिश करी, हम सब ये ख़त्म करते हैं, आप यहाँ पर आकर ज़रूर खाना और हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। प्लस इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। चटपटी शिखा को फॉलो करना मत भूलना, ऑन इंस्टाग्राम दिल से फूडी को ज़रूर। तो ये है मनमीत, जो कि कैमरे के पीछे रहता है हमेशा,
पर आज हम इसको नॉनवेज खिलाएंगे मंगलवार को। हाँ भैया खा के दिखा, जल्दी खा के बता कैसा लगेगा। तो ये पूरी टीम है दिल से फूडी के यूट्यूब चैनल के पीछे, जो कि हम हर शूट पे एक साथ जाते हैं। और क्योंकि मैं अकेला खा नहीं सकता और सब लोग मेरे को बोलते हैं कि साले मोटा कितना खाएगा, पर मैं अकेला नहीं खाता, ये सब लोग खाते हैं, मैं सिर्फ टेस्ट करता हूँ बस। कितना नंबर देगा 10 में से? 9। 10। और चिकन टाइगर वेजिटेरियन के हिसाब से बहुत अच्छा है और 10 में से 10 है। वैरायटी बहुत अच्छी है। मैं एक लॉलीपॉप खाता हूँ, टाटा बाय बाय। नाउ यू कैन बाय दिल से फूडी टी-शर्ट्स, जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड यू विल गेट योर टी-शर्ट इन 2 और 3 वर्किंग डेज।